मैंने खरीदा सोनी ब्रांड का सबसे सस्ते वाला ब्लूटूथ हेडफोन WH-CH510। इसका रेगुलर डेज का प्राइस है 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए के बीच में। इससे सस्ता इनका कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन नहीं आता है। नेकबैंड आता है जो कि 1600 रुपीज के अराउंड में, लेकिन ब्लूटूथ हेडफोन की प्राइसिंग 2500 रुपीज से ही स्टार्ट हो रही है इनकी। तो मैं इनको काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, आपके सामने इसका एक डिटेल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। देखते हैं कैसी साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। बाकी मैंने इसको कितने का खरीदा, तो मैंने इसको फ्लिपकार्ट की सेल से 1700 रुपीज का खरीदा है, प्लस इसके ऊपर मुझे 100 रुपीज का पेटीएम वॉलेट कैशबैक मिल गया था, तो मुझे 1600 रुपीज का मिला है। मैं कह सकता हूं कि अभी तक का सबसे लोएस्ट प्राइस। वैसे ये वाली डील मैंने देसी कंज्यूमर डील्स के टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करी थी। मैं आपको रिसेंटली की एक लूट डील बताता हूँ, कल की बात है। नॉइज ब्रांड, बोट ब्रांड, जितनी भी पॉपुलर स्मार्ट वॉचेस की ब्रांड है, इनकी स्मार्ट वॉच सिर्फ 750 रुपीज में मिल रही थी सारे ऑफर्स लगाकर। आपको नॉर्मली ये लगता होगा कि भाई ये सेल के टाइम पर इतना अच्छा डिस्काउंट आता है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। रेगुलर डेज में भी काफी तगड़ा डिस्काउंट आता है। तो आपको मैं जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारा देसी कंज्यूमर डील्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करिए देसी कंज्यूमर डील्स। बाकी हेडफोन की बात करें तो मैं इसे ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूं, एक बार बॉक्स के ऊपर नजर मार लेते हैं। तो आगे की साइड पर हेडफोन्स की इमेज बनी है, नीचे मेंशन किया गया है 35 आवर्स का प्लेबैक टाइम, लेकिन एक्चुअल कितना है वो मैं आपको बताऊंगा। पीछे की साइड पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और एमआरपी वगैरह देखने को मिलती है, आप चाहे तो इसे पॉज करके रीड कर सकते हैं। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले पेपर वर्क देखने को मिलता है, जिसमें मेन है हमारा यूजर मैनुअल। इस यूजर मैनुअल पर काफी अच्छे तरीके से इमेज के थ्रू दिखाया गया है कैसे इस हेडफोन को ऑपरेट करना है, ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। नेक्स्ट एक टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल दी गई है, जिसके ऊपर सोनी की ब्रांडिंग है, क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी लगी, लेंथ आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम मेन हेडफोन की बात करें तो ब्लैक कलर का हेडफोन है, इसमें एक और कलर भी अवेलेबल है नेवी ब्लू, वो भी दिखने में काफी अच्छा है और ये भी दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, ये एक ऑन ईयर हेडफोन है, ओवर ईयर हेडफोन नहीं है, तो ये कानों के ऊपर आएगा, कानों को पूरे तरीके से कवर नहीं करेगा। अब इसके बिल्ट की बात करें तो पूरा प्लास्टिक बिल्ट के साथ में आता है, मैट फिनिश वाला प्लास्टिक यूज किया गया है, प्लास्टिक की क्वालिटी मुझे इसकी काफी अच्छी लगी। यहाँ पर जो पूरा टेक्सचर है प्लास्टिक का, खुदरा खुदरा सा यूज किया गया, तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, इस पे स्क्रैचेस जल्दी नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो उतने विजिबल नहीं होंगे। बाकी प्लास्टिक की फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी सही है, इतना आराम से इसे खोल सकते हैं और इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस तरीके से, तो इतना चौड़ा ये हो जाता है, तो जितना भी बड़ा आपका हेड है आराम से प्रॉपर फिट आ जाएगा। बाकी लुक्स की बात करें, हेडफोन की दोनों साइड पर सोनी की ब्रांडिंग है व्हाइट कलर में, और जो मैट फिनिश है प्लास्टिक की, इसको एक क्लासिक लुक प्रोवाइड कर रही है, लुक वाइज काफी अच्छा लग रहा है, मतलब एक प्रीमियम फील दे रहा है। बाकी जो एयर कप्स की कुशनिंग है वो भी काफी सॉफ्ट है, मैं इसको काफी लंबे टाइम तक यूज कर चुका हूं, बिल्कुल भी मतलब फील नहीं होता है कि कुशनिंग चुभ रही है या फिर हार्ड फील दे रही है। लेकिन यहाँ पर इसके हेड की साइड पर कोई भी कुशनिंग यूज नहीं की गई है, यहाँ पर कुशनिंग हो जाती है तो काफी सही रहता। बाकी इसके जो एयर कप्स है इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं, तो आप इजीली इसे बैग वगैरह में कैरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं मिसिंग बोलना चाहूंगा, अगर ये एयर कप्स अंदर की तरफ बेंट हो जाते तो और भी कॉम्पैक्ट फील देते, कैरी करना और भी ज्यादा इजी हो जाता। बाकी हेडफोन की राइट साइड पर रिमोट देखने को मिलता है, यहाँ पर 3 बटन्स दिए गए हैं। पहला बटन है प्लस का, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं और नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। सेंटर बटन है म्यूजिक पॉज प्ले करने का या फिर हेडफोन को ऑन ऑफ करने का, और सेंटर वाले बटन को डबल टैप करने पर आप गूगल असिस्टेंट या सीरी को भी ऑपरेट कर सकते हैं इस हेडफोन के थ्रू। और लास्ट का जो बटन है माइनस का, आप इससे वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं और प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। बाकी बटन्स की थोड़ी सी आगे हमें LED इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है, तो चार्जिंग के टाइम पर ऑन रहती है, जैसे ही फुल चार्ज हो जाता है ऑफ हो जाती है। उसी के आगे हमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, उसके नेक्स्ट हमें माइक देखने को मिलता है। बाकी एक चीज की कमी लगी, यहां पर कोई भी ऑक्स केबल के लिए पोर्ट नहीं देखने को मिलता। तो नॉर्मली इस प्राइस पर जितने भी हेडफोन्स आते हैं उसमें हमें ऑक्स केबल के लिए पोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप वायर्ड लगाकर भी हेडफोन को यूज कर सकते हैं, इसके थ्रू आप यूज नहीं कर पाएंगे। बाकी जो हेडफोन है कोई भी IPX रेटिंग के साथ में नहीं आता है, ना ही ये वाटर रेजिस्टेंट है, ना ही ये स्वेट प्रूफ है। नेक्स्ट पर बात करें ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी की, तो इसमें 5.0 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है, तो मैं इसको मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट कर चुका हूं, आईफोन, एंड्रॉइड, लैपटॉप, किसी में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। और फास्ट पेयरिंग भी दी गई है, तो हेडफोन को जैसे ही आप ऑन करेंगे जिस डिवाइस से आपने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ था पहले, उससे तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। बाकी 10 मीटर की रेंज में इसकी कनेक्टिविटी एकदम फाइन वर्क करती है, कोई भी मुझे लैग नहीं देखने को मिला, और एक टाइम पर एक डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, ड्यूल पेयरिंग नहीं देखने को मिलती। नेक्स्ट इसकी फिटिंग की बात करें तो सबसे पहली चीज, इसका जो वेट है 132 ग्राम्स है, वेट मुझे ठीक ठाक लगा। अब इसका वेयरिंग एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूं, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट
पॉइंट, इसके कुशंस काफी सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी हार्ड या फिर हार्श फील नहीं हो रहे, बहुत ही नरम कुशन मुझे इसके लगे। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, इसकी हेड की साइड पर कोई कुशनिंग वगैरह नहीं की गई है, तो उससे थोड़ी चुभन वगैरह फील होगी, लेकिन एक्चुअल में कोई भी यहां पर मुझे चुभन वगैरह फील नहीं हो रही है। अब यहां पर वेट की बात करें तो इसका 132 ग्राम जो वेट है, मुझे नहीं फील हो रहा है कि इसका उतना वेट है, काफी लाइट फील दे रहे हैं। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी सही है, उतना ज्यादा टाइट फील नहीं दे रहे हैं। अगर टाइट होते तो उस टाइम पर मुझे इसका वेट फील होता और ना मुझे निकालने का मन करता। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैंने इसको 2.5-3 घंटे आराम से लगाए रखा है कॉन्टिन्यूसली, उसके बाद जाकर मेरे कानों पर मतलब जो मसल्स हैं वहां पर हल्का फुल्का पेन हुआ। तो यहां पर मुझे इसकी फिटिंग लिटरली काफी सही लगी, फिटिंग के मामले में थम्स अप। नेक्स्ट पर बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो ब्रांड है सोनी, नाम से ही एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं कि भाई साउंड क्वालिटी काफी तगड़ी रहेगी। तो यहाँ पर एक्चुअल में कैसी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसमें हमें 30mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें बेस की, तो इसमें एक सॉफ्ट डिसेंट मॉडरेट सा बेस सुनने को मिलता है, डीप या फिर लाउड बेस नहीं है, लेकिन अच्छा बेस है, वोकल्स एकदम क्लियर समझ में आते हैं, चाहे आप मूवी देख रहे हैं या फिर सॉन्ग सुन रहे हैं, और जो ट्रेबल्स हैं वो भी एकदम प्रॉपर हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड प्रॉपर समझ में आती है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, क्लियरिटी भी काफी अच्छी है, लेकिन लाउडनेस मुझे उतनी तगड़ी नहीं लगी जितनी मैं सोच रहा था कि हेडफोन में होनी चाहिए, तो यहाँ पर लाउडनेस मुझे इसकी ठीक ठाक लगी। एक लाइन में बोलूं, अगर आपको डीप या फिर लाउड बेस पसंद है और या फिर लाउडनेस ज्यादा पसंद है तो मैं आपको ये हेडफोन रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको एक अच्छी बैलेंस साउंड क्वालिटी चाहिए तो डेफिनेटली आप इसके साथ में जा सकते हैं। वैसे मैं इसके प्राइस को ध्यान में रखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी को रेटिंग दूंगा 8/10। नेक्स्ट पर कॉलिंग की बात करें तो इसमें हमें सिंगल माइक देखने को मिलता है, तो पहले आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए फिर हम बात करते हैं। यहाँ पर जो आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। तो जो आपने रिकॉर्डिंग देखी और सुनी तो उसमें काफी ज्यादा बाहर का नॉइज था, लेकिन इसके थ्रू जो वॉइस आ रही थी उसमें भी बाहर का नॉइज काफी आ रहा था, लेकिन मैं क्या बोल रहा था वो भी चीज समझ में आ रही थी। तो यहाँ पर एक चीज मैं बोलूँ, अगर आप आउटडोर कॉलिंग करते हैं इसके थ्रू तो मजेदार नहीं है इसकी कॉलिंग, इंडोर के लिए सही है। नीचे पर चार्जिंग और प्लेबैक टाइम की बात करें तो ये हेडफोन फुल चार्ज होने में 4 से 4.5 घंटे का टाइम लेता है, 5W से 10W के चार्जर से चार्ज करना है, बाकी 10 मिनट के चार्ज पर ये 3 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देता है। प्लेबैक टाइम की बात करें तो एक बार फुल चार्ज करने पर अगर आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो ये आपको 33 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देगा, जो कि काफी सही है, मतलब जो कंपनी बोल रही है उस टाइप का प्लेबैक टाइम ये दे रहे हैं। प्लेबैक टाइम के मामले में ये हेडफोन मुझे काफी सही लगा। तो ये था सोनी WH-CH510 ब्लूटूथ हेडफोन का डिटेल रिव्यू। अब यहाँ पर कम शब्दों में बात करें क्या अच्छी बातें लगी और क्या बुरी बातें लगी, तो सबसे पहले अच्छी बात है इसका प्लेबैक टाइम मुझे काफी सही लगा, सिंगल चार्ज पर 33 आवर्स का प्लेबैक टाइम, फिटिंग काफी अच्छी है, लाइट वेट है, टाइट फील नहीं देता है, कोई चुभन वगैरह भी फील नहीं होती, बाकी इसकी लुक बिल्ट मटेरियल तीनों मुझे अच्छे लगे, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, प्रीमियम साउंड क्वालिटी है, लेकिन अगर आपको डीप या फिर लाउड बेस पसंद है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आपको बैलेंस साउंड क्वालिटी पसंद है तो डेफिनेटली आप इसके साथ में जा सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एकदम फाइन वर्क करती है, कॉलिंग इसकी आउटडोर के लिए अच्छी नहीं है लेकिन इनडोर के लिए सही है। तो ये थी इसकी अच्छी बातें, कमियों की बात करें कमियां मुझे कम ही लगी। सबसे पहला इसमें कोई भी ऑक्स पोर्ट नहीं दिया गया कि हम वायर्ड के थ्रू इसमें म्यूजिक वगैरह सुन ले, नॉर्मली इस प्राइस के हेडफोन पर आपको ऑक्स पोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है लेकिन बेस मुझे इसका इतना तगड़ा नहीं लगा, इस प्राइस पर आपको काफी सारे हेडफोन्स मिल जाएंगे जो कि इससे बेटर बेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये थी एक दो कमियां, तो अच्छी बातें ज्यादा है कमियां कम है, तो यहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये वाला ब्लूटूथ हेडफोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो बेस्ट बाय लिंक मैं आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों के प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से सस्ता मिले वहां से बाय कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।